दोस्तों नमस्कार। जब हम किचन का डिज़ाइन करते हैं, प्लान करते हैं, तो ऐसी काफ़ी सारी गलतियां होती हैं जो हम कर बैठते हैं जाने अनजाने। तो आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक पे है कि क्या ऐसी 10 टॉप मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए ताकि हम अपना कॉस्ट तो बचा ही पाएँ, साथ ही साथ हमारी किचन को फंक्शनल और एफिशिएंट भी बना पाएँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो टॉप 10 किचन मिस्टेक्स के बारे में जो आप अपने किचन को डिज़ाइन करते टाइम, रिमॉडल करते टाइम पर ध्यान रखें। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कॉन्टेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए। दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट रहता है वो रॉन्ग लेआउट सिलेक्शन का रहता है, जो काफ़ी मेजर मिस्टेक्स रहती है। रॉन्ग लेआउट सिलेक्शन का मतलब ये दोस्तों, किचन जो है काफ़ी सारे शेप्स में प्लान हो सकता है। जैसे कि आप साइड में फोटो में देख पा रहे हो, एल शेप हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, पेनिनसुला हो सकता है, आइलैंड हो सकता है ना, या फिर यू शेप हो सकता है। अब अपने किचन की साइज़ क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपकी फैमिली साइज़ क्या है और आपके यहाँ डोर विंडो की पोजीशन किस तरह की आ रही है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके किचन में किस तरह का लेआउट सही रहेगा। तो अब ऐसे में अगर आपने रॉन्ग लेआउट सेलेक्ट कर लिया तो उसके चक्कर में आपका क्या है, बजट भी इंक्रीज़ हो सकता है और कई बार काफ़ी सारी और फंक्शनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, मान लीजिए आपका 7 फिट वाइड किचन है और उसके अंदर अपन ने यू शेप में किचन प्लान कर लिया और उसमें भी दोनों साइड में प्लेटफॉर्म को 24-24 की विड्थ दे दी या और ज़्यादा विड्थ दे दी, तो ऐसे में बीच में जो मूवमेंट स्पेस है वो काफ़ी कम बच गया, तो वो एक तरह से अगर देखा जाए तो फंक्शनल किचन नहीं रहा। इसी तरह से मान लीजिए आपकी फैमिली साइज़ छोटी है और आपकी किचन की साइज़ मान लीजिए 10x10 की थी या 10x12 की बड़ी साइज़ थी, आपकी रिक्वायरमेंट थी कि आपका एल शेप में ही काम चल जाता, लेकिन आपने क्योंकि किचन की साइज़ बड़ी थी उसको यू शेप में प्लान कर लिया, तो आपका जो ऑब्वियसली फर्नीचर कॉस्ट का बजट जाने वाला है वो हाई चला जाएगा। तो ये जो आप अगर चाहते तो उसको अवॉइड कर सकते अगर प्रॉपर लेआउट प्लानिंग होती है अपनी पास में। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो लेआउट प्लानिंग का होता है, वो हमें काफ़ी ध्यान से डिसाइड करना चाहिए कि हमें कौन सा चीज़ का प्लेसमेंट कहाँ करना है और किस शेप का किचन डिसाइड करना है। तो ये जो है फर्स्ट पॉइंट है कि आप लेआउट को अच्छे से सेलेक्ट करें, शेप ऑफ किचन सही से डिसाइड करें। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। दोस्तों सेकेंड पॉइंट होता है किचन के अंदर अप्लायंसेस की साइज़, अगर आपके पास प्री प्लान नहीं है, मतलब नॉट प्लानिंग फॉर द साइज़ ऑफ अप्लायंसेस। जैसे कि काफ़ी सारे अप्लायंसेस, जैसे सिंक होता है, आप सिंक क्या साइज़ का लेने वाले हैं, उसके बाद में कुकिंग हॉब, आप जो कुक टॉप है वो 4 बर्नर का लेने वाले हैं, 3 बर्नर का लेने वाले हैं, चिमनी क्या साइज़ की लेने वाले हैं, इसके अलावा माइक्रोवेव आता है तो माइक्रोवेव अपन क्या साइज़ का लेने वाले हैं, है ना। तो ऐसे करके काफ़ी सारे अप्लायंसेस किचन में काम आते हैं, इसकी अप्लायंसेस की साइज़ जो है आपको प्री डिसाइड कर लेनी चाहिए, यानी कि मॉडल्स भी प्री डिसाइड कर लेने चाहिए ताकि आप जब किचन को डिज़ाइन करें तो उसके अकॉर्डिंग ही कैबिनेटरी पार्ट को डिसाइड कर पाएं। तो ये काफ़ी बार ऐसी मिस्टेक्स होती है कि हम किचन में जो अप्लायंसेस उसकी साइज़ डिसाइड नहीं करते या टाइप डिसाइड नहीं करते, तो ऐसे में हमें आगे जाके उस मॉडल के अप्लायंस को फिट करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये एक मेजर मिस्टेक है, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं अपनी थोड़ी सी अवेयरनेस से और प्री प्लानिंग से। अब अपन थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। दोस्तों आप जो मैं मिस्टेक बताने जा रहा हूँ ये मैंने काफ़ी कॉमनली देखी है, जो ये बैकस्प्लैश होता है, ये जो एरिया होता है अपने काउंटर टॉप और कैबिनेट के बीच का जो एरिया होता है इसको बैकस्प्लैश बोला जाता है। तो ये वाला जो बैकस्प्लैश है इसकी हाइट प्रॉपर डिसाइड नहीं करना एक काफ़ी मेजर मिस्टेक है। ये मैंने काफ़ी सारे घरों में देखा है, काफ़ी सारे जो कारीगर रहते हैं वो आपकी टाइल्स जो है वो काउंटर टॉप से लेकर के 3 फिट भी प्लान कर देते हैं, कोई कोई 3.5 फिट प्लान कर देते हैं, और जो फर्नीचर वाला रहता है वो उसके ऊपर फर्नीचर बना देता है, तो वो एक्सेसिबल ही नहीं रहता क्योंकि उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका बैकस्प्लैश है अगर वो पहले ही बन रहा है तो आपको बॉटम से 33 से यानी काउंटर टॉप की हाइट से स्टार्ट करना है और सिर्फ 2 फिट का रखना है, बीच में सिर्फ 2 फिट का बैकस्प्लैश हमें यहाँ पे रखना चाहिए, इसकी जो हाइट रहती है टोटल वो 2 फिट ही रखनी चाहिए। ये आप मिस्टेक अवॉइड करके आपका आगे होने वाली प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि अगर इसकी हाइट आपने ज़्यादा रख ली तो बाद में जाके आपको जो है वो कैबिनेट को एक्सेस करने में प्रॉब्लम आएगी, उसके कारण हो सकता है आपको बैक पेन हो जाए या बाकी सारे इश्यूज हो जाए, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप इस बैकस्प्लैश के पॉइंट को जरूर ध्यान रखें। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। दोस्तों फोर्थ पॉइंट है नॉट फॉलोइंग द किचन अर्गोनॉमिक्स या फिर किचन का स्टैंडर्ड साइजेस को फॉलो ना करना। आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो बेसिकली किचन के कैबिनेट प्लान करने के स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं, इसको हमें फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज जब हम उसको किचन के अंदर यूज़ करेंगे, उस किचन को यूज़ करेंगे तो हमारे लिए वो अनकंफर्टेबल किचन रहेगी। फॉर एग्जांपल ये हमारी जो किचन का काउंटर टॉप है ये 33 पे होता है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से इसकी जो चौड़ाई रहती है वो 24 से 26 होती है, ये ध्यान रखना चाहिए। आपका जो ये काउंटर टॉप है ये आपकी एंकल से लगभग 5-6 इंच नीचे रहे, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह के काफ़ी सारे अर्गोनॉमिक से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, वो हमें किचन के स्टैंडर्ड्स फॉलो करके ही डिज़ाइन करना चाहिए, बनाना चाहिए, ताकि हमें बाद में उसके अंदर वर्क करने में कन्वीनियंट रहे, यानी कि अनकंफर्टेबल ना हो।
इसका एक और एग्जांपल है, इसका जो ऊपर वाले कैबिनेट है इसको मान लीजिए आपने डेप्थ जो है वो अकॉर्डिंग टू आपके काउंटर टॉप नहीं ली। बेसिकली फंडा ये कि जो आपका ओवरहेड कैबिनेट होता है इसकी जो डेप्थ रहनी चाहिए वो 12-13 इंच से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। तो अगर ये ज्यादा ले ली तो जब आप इसको वर्कटॉप के ऊपर काम करोगे तो हो सकता है आपका जो सिर है वो इसके टकराए। तो ये पॉइंट हमें काफी ध्यान रखना चाहिए कि इसकी डेप्थ कितनी लेनी है। ऐसे ही काफी सारे और स्टैंडर्ड साइजेस से रिलेटेड पॉइंट इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो भी अवेलेबल है हमारे चैनल पे, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आई बटन में नजर आ रहा होगा आपको, वहां जाके देख सकते हो आप। तो ये वाला पॉइंट जो है आपको खास ध्यान रखना चाहिए कि किचन जो है आपकी एज पर स्टैंडर्ड साइजेस बन के आए फर्नीचर उसका। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा माइंड कई बार ट्रेंड की तरफ जाते हुए फंक्शनलिटी को भूल जाता है, ये बड़ी मिस्टेक होती है। जैसे कि आजकल ओपन किचन का ट्रेंड है मार्केट में, है ना। अब ओपन किचन को हम लेते टाइम पे ये भूल जाते हैं कि हमारा बेसिकली प्लान क्या है, हमारा पास में वॉल्स कितनी मिल रही है, और हम जबरदस्ती कई बार किचन के अंदर ओपन किचन बनाने का प्लान करने की कोशिश करते हैं। हम उसके रिलेटेड फैक्टर्स को नहीं कंसिडर करते कि ओपन किचन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या कोज हैं, क्या क्या प्रॉन्स हैं। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखे बिना ही हम हमारे किचन को ओपन बनाने का ट्राई करते हैं। कई बार मैंने ये देखा है कि जो किचन है, ओपन किचन का मतलब होता है वो डाइनिंग को या लिविंग एरिया को ओपन हो रही हो। कई बार लोग क्या करते हैं कि जो पाथवे रहता है ना, पासेज रहता है या लॉबी रहती है, उसके अंदर भी अपने किचन को ओपन बना देते हैं। उसका कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, बल्कि उससे हमारा स्टोरेज स्पेस ही कॉम्प्रोमाइज होता है, क्योंकि हमें एक वॉल कम करनी पड़ती है किचन के अंदर। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अपना अभी ये किचन बना हुआ है, अब इसके अंदर मान लीजिए मेरे को ओपन करने के लिए ये वाली वॉल रिमूव करनी पड़ रही है, तो ऑब्वियसली जो इतना सारा स्टोरेज मेरा अभी बना हुआ है ये मेरे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तब जाके इसको मैं ओपन कर पाऊंगा। तो ये काफी बारी मिस्टेक होती है कि हम ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में हमारे किचन का स्पेस वेस्ट कर देते हैं। तो ओपन किचन प्लान करना नहीं करना, ये हमें डिसाइड फैक्टर्स देख के करना चाहिए। इससे रिलेटेड वीडियो भी आई बटन में अवेलेबल, लिंक उसको देख सकते हो आप डिटेल में। और डिज़ाइन प्रॉपर हो, पहले ही प्लान हो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। अगर ओपन किचन प्लान करना है तो उस हिसाब से आपका नक्शा बनना चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखने वाला पॉइंट है दोस्तों। हमारा जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है इनसफिशिएंट काउंटर स्पेस। इसका मतलब ये दोस्तों, जब अपन सिंक और कुकटॉप की पोजिशन फाइनलाइज करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि दोनों के आसपास हमारे पास में काउंटर स्पेस अवेलेबल हो, ताकि जब हम काम करें या फिर जब हम कुकिंग करें तो हमारे पास में साइड में काउंटर स्पेस हो अपने जो यूटेंसिल्स हैं उनको रखने के लिए या कुकवेयर्स को रखने के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे स्पेस को विजुलाइज नहीं कर पाते और हम ऐसी कोशिश करते हैं कि हम सारी चीज़ें ही अपने किचन में अकोमोडेट कर लें, और उस चक्कर में कई बार हम काउंटर स्पेस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। काउंटर स्पेस जो है किचन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, तो काउंटर स्पेस का हमें ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। सेवन्थ पॉइंट हमारा जो है वास्तु से रिलेटेड है। एक्चुअली वास्तु के अंदर एक मेजर चीज़ ये है कि आपको नॉर्थ ईस्ट में पानी देना है, यानी वाटर पॉइंट सिंक देने, और साउथ ईस्ट के अंदर अपने को अपना किचन का कुकटॉप देना है, या फिर कई जगह भी बोला जाता है कि साउथ वेस्ट में आपको जो है अपना सिंक रखना चाहिए। तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो कई बार पोजीशन ये आती है कि आपको एक ही स्लैब के ऊपर अपना ईस्ट डायरेक्शन में ही एक साइड में आपको कुकटॉप रखना पड़ रहा है साउथ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट में आपको सिंक रखना पड़ रहा है, वो वाली स्लैब भी आपके किचन में छोटी मिल रही है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि वास्तु को कंसिडर करने के चक्कर में हमारा किचन जो है वो नॉन फंक्शनल बन जाता है। तो ये अब इसका सॉल्यूशन तो मेरे दिमाग में नहीं है। अगर आप वास्तु को फॉलो करना चाहते हैं तो वो हमें कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है, लेकिन कई बार हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या वास्तु को फॉलो करने से हमारे किचन की फंक्शनलिटी बिल्कुल ख़त्म हो रही है। मैंने कई सारे ऐसे डिज़ाइंस देखे हैं किचन के, जिसमें किचन की साइज़ काफ़ी बड़ी होती है, यानी 150-200 स्क्वायर फीट होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो है एक स्मॉलर साइड ईस्ट का आ रहा था, तो वहीं पे उनको जो है वो अपना कुकटॉप और सिंक प्लान कर लेते हैं, तो वो किचन दिखने में भी अच्छी नहीं लगती और फंक्शनल भी नहीं होती। तो वास्तु को किस हद तक फॉलो करना है वो हमें एक क्राइटेरिया माइंड में रखना चाहिए जब भी हम किचन को प्लान कर रहे हैं। तो उसके लिए कुछ सॉल्यूशन अगर अवेलेबल है तो उसके ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, मेरी आज की नेक्स्ट टिप है दोस्तों। अब एट पॉइंट जो है वो आइलैंड किचन से रिलेटेड है। कई बार क्या होता है हमारे किचन का साइज रहता है 10x12, 10x13 या 120-130 स्क्वायर फीट का किचन है, और हमें आइलैंड उसके अंदर ऐसा रहता है कि हमने देखा होता है कई जगह आइलैंड फैंसी सा किचन, हमने कई बार इंटरनेट पर एक्सप्लोर किया होता है, तो हमें लगता है आइलैंड होना चाहिए किचन के अंदर, लेकिन हम उसकी क्या अहमियत है, क्या रिक्वायरमेंट है उसको नहीं समझते हुए भी आइलैंड को प्लान करने की कोशिश करते हैं, फोर्सफुली आइलैंड बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे उसका स्पेस नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगर मान लीजिए यही किचन ले लें अपन, 10 फीट वाइड है, अगर इसके अंदर जो है हमने एल शेप की जगह यहाँ पे स्ट्रेट प्लेटफॉर्म बना के एक आइलैंड सेंटर में क्रिएट कर देते तो किचन क्या है काफ़ी क्लटर्ड हो जाता। तो ऐसे में हमें क्या है फोर्सफुली आइलैंड को प्लान नहीं करना चाहिए जब तक कि आपके किचन के अंदर आइलैंड की पॉसिबिलिटी ना हो। अब आइलैंड की पॉसिबिलिटी है या नहीं है आपकी काफ़ी सारी अदर रिक्वायरमेंट्स पे और किचन के शेप पे साइज पे डिपेंड करेगी, आपको किचन डिजाइनर या एक्सपर्ट ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो आपको राय लेनी चाहिए और उसके बाद ही आइलैंड को प्लान करना चाहिए, ये हमारा पॉइंट है अगर आप किचन आइलैंड बनाना चाह रहे हैं तो।
और सबसे मेजर जो चीज़ है, एक डिसाइडिंग फैक्टर मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका किचन ओपन है तो ही आप आइलैंड के ऊपर प्लान करें, अगर आपका किचन क्लोज्ड साइकिल में है तो आइलैंड के ऊपर प्लान करने का ज़्यादा कोई सेंस नहीं बनता, अनलेस आपका किचन 200-250 स्क्वायर फीट का बना हुआ हो। अगर आप आइलैंड को अवॉइड करके एक सिंपल ब्रेकफास्ट काउंटर या पेनिनसुला किचन टाइप दे दें, ताकि आप साइड में फोटो में देख पा रहे हो, तो काफ़ी किचन फंक्शनल बन जाती है और किचन अच्छी भी लगती है। तो आइलैंड को अवॉइड करके अगर आपकी साइज ऑफ किचन मीडियम से लार्ज है और आप आइलैंड मतलब ब्रेकफास्ट के लिए बनाना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह का पेनिनसुला लेआउट को भी फॉलो कर सकते हो। अब नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। दोस्तों जो नाइन्थ हमारी टिप है वो है रॉन्ग बैलेंस ऑफ कलर्स। एक्चुअली क्या है, किचन जो है ना वो इज ऑल अबाउट, किचन का जो लुकिंग है वो बैलेंस ऑफ कलर्स पे डिपेंड करता है कि आप कलर्स को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो वैसे में कई बार ऐसा होता है कि हमारी किचन में ऑलरेडी वेंटिलेशन नहीं है या फिर ऑलरेडी लाइट्स की कमी है और उसमें हमने जो है हमारा डार्क शेड्स ले लिए या फिर बैकस्पेस जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट्री टू आपका जो काउंटर टॉप है या आपका जो कैबिनेट कलर है उससे ले ली, मतलब ओवरऑल सेटिंग नहीं बैठी। तो ओवरऑल अगर बैलेंस ऑफ कलर नहीं रहा तो आपकी किचन अच्छी नहीं दिखेगी, आपको उसके अंदर काम करने में मज़ा नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे में बैलेंस ऑफ कलर को डिसाइड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हमने कलर सिलेक्शन पे पहले भी वीडियोस बनाई हुई, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप जाके देख सकते हो। और इसमें ये रहता है कि अगर आप किचन का 3D बना लेते हो तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है कि कलर सिलेक्शन हम कैसे करना चाहिए। दोस्तों हम जो 10th और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ओवरऑल ये जो सारे भी पॉइंट्स हैं, अगर आपको लगता है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इन चीज़ के ऊपर फोकस करें या फिर हमें लगता है कि हमारे पास इतनी एक्सपर्टाइज नहीं है, तो आप प्रोफेशनल हेल्प लेने से ना कतराएं। आप किचन को अपने प्लान करवा लें, डिज़ाइन करवा लें, उससे आपका किचन का जो लेआउट है, उसके अलावा जो कैबिनेटरी पार्ट है, साइजेस का स्टैंडर्ड है, कलर स्कीम है, वो सारा कुछ आप अच्छा डिसाइड कर पाओगे और आगे के लिए फंक्शनल किचन बना पाओगे। आप चाहें तो अपने लोकल एरिया में भी डिज़ाइन करा सकते हैं, और अगर आपको अवेलेबल नहीं होता डिज़ाइनर तो हमारे पास भी ऑनलाइन किचन डिज़ाइनिंग की सर्विसेज अवेलेबल है, जिसका रिलेटेड डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगी, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी हमने दिया हुआ है। काफ़ी सारे हमने किचन अभी ऑनलाइन डिज़ाइन करी है, उससे रिलेटेड अगर आपको देखना है तो इंस्टाग्राम का पेज भी हमारा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो ये जो सर्विसेज हैं, आप लेके अपने किचन को प्री प्लान करके अपना काफ़ी सारा समय, पैसा और स्पेस को वेस्ट होने से बचा सकते हैं और किचन एक फंक्शनल बना सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से मॉड्यूलर किचन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम लाने की कोशिश करते हैं। आपके कोई सवाल हो, आपको जो उस पर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम अभी टॉपिक सर्च कर रहे हैं कि किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो आपका कमेंट हो सकता है हमारे लिए नेक्स्ट वीडियो की स्क्रिप्ट बन जाए। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप जो भी आपके डाउट्स हैं मॉड्यूलर किचन को रिलेटेड वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह से चैनल को प्यार देते रहिए, देखते रहिए GM फर्नीचर। थैंक यू सो मच।